ये गाड़ी में बेड है, ये छोटा सा तैयार हो चुका है, पंछी और कोको आराम सो रहे हैं, बैठे मतलब ही सो जाएंगे, है ना पंछी? ठीक लगा दिया ना बेड आपका बेटा? मैंने सही कर दिया? हाँ कोको, अच्छा है बेटा आपका बेड? हाँ। इंजॉय करोगे आप? हाँ। नाश्ता की फैन है बहुत बड़ी कोको, पर शर्मा रही है अभी। डियाना और ये पंछी किसकी फैन है? डियाना की। डियाना बनना चाहती है पंछी? नहीं। नहीं, अच्छा बनना नहीं चाहती होता है। जो देखते हो वो है डियाना। अच्छा, और ये नाचिया बनना चाहती है, पूरा स्टाइल नाचिया कॉपी कर लिया बच्चों। सो गुड मॉर्निंग, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमारी ट्रिप जो है, ट्रैवल ट्रिप, वो स्टार्ट हो चुकी है। तमन्ना आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, हिमाचल, एक जगह बची है हिमाचल जाते हैं। दिखाऊंगा चैनल पर, नहीं हो सब्सक्राइब करना और पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत लंबा ट्रैवल होगा, सिर्फ हिमाचल से नहीं रहेगा, एक जगह तक नहीं सीमित होगा, मुख्तलिफ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग जाएंगे और बस चलते हैं आपको लेकर। तो रात में मनाली तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन आराम आराम से जाएंगे, तो कोई रास्ते में बीच में कोई जगह आएगी तो पहुंचेंगे। तेज भी चला जाता है और बिल्कुल रात को भी पहुंचना कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर घूम ढूंढ रहे हैं और रात को जा करके। ठीक है, तो आप बता वापसी करते रहते हैं वार्तालाप और आगे देखते हैं कैसा है क्या है। बवंडर देखिए आप, ये देखो बैंकर, अरे बाप भाई साहब, मतलब कि ये बवंडर जो था ये पहली बार हाईवे पे है और हम लोग सामने थे, बिल्कुल सामने आए ये। अगर ये बाइक पे होते हम लोग तैयार होता। देखो काफी देर हो चुकी है हमें निकले में और 1:18 हो चुके हैं ऑलरेडी। ये रास्ता है और पहली बार हाईवे है, नांगल जो गांव है नांगल वो जस्ट पास में आ रहा है यहाँ से। और देखिए हाईवे कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, कितना अच्छा हाईवे, ऐसी 250 किलोमीटर चलना हुआ हमें, फिर हम अम्बाला पहुंच जाएंगे, फिर अम्बाला चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर अपना मनाली आ ही जाएगा। तो रास्ते मिल गए कहीं पर भी, रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी गर्मी की हालत बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है, शानदार। ये है मेन हाईवे, देखिए यहाँ से 227 किलोमीटर, यही 8-lane रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग और बहुत शानदार रोड है। अब आपका चंडीगढ़ और हिमाचल जाना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। तो भाई इस रास्ते में खैर हम तो 5 छोटी बार आए हैं, स्पीड भी लगा रखा है उन्होंने, शायद 100 है कैमरा लगा रखे, देखिए आप तो 100 लिमिट है, लिमिट कितनी है, 100 ही होनी चाहिए, हमारे तो 89 ने कम कर दिया, मैंने तो चला नहीं। क्या सड़क है, क्या शानदार है, 1-lane, 2-lane, 3-lane, 6 lane है पूरी, इधर 3 lane उधर है। और देखिए यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी नहीं आपको, हाँ वो सब आप मिल सकते हैं। तो आपको रस्ता दिखाते रहते हैं ऐसे आप बने हुए ब्लॉग में, ये बीच में यहाँ रुक रहे हैं और ये देखिए शाही दरबार रेस्टोरेंट है पधारो सा, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या खाने पीने के लिए मिल रहा है। पहले भी रुके हुए हम यहाँ पर, बिल्कुल याद आ गया मुझे। तो कौन खाओगे कुछ खाओगे? लेकिन सारे पंजाबी बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे। बाकी आप अगर अम्बाला से हो तो बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, हालांकि ये सुना है मैंने। देखिए
और चप्पल मेरी कहीं घूम गई या गिरी कहाँ चली गई, तो मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ मार्केट में मिल जाए। सुबह से हो गई हमें शाम, हम चंडीगढ़ में ही है क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं। खाना खाया हमने कुछ पीछे वापस से, और पंछी को पंछी कैसा लग रहा है बेटा आप लोग? अच्छा। वाह पंछी को देखो, पंछी को देखा बेटा, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पंछी? हाँ। कैसा लग रहा है आपको, क्या करा आपने भी? कुरकुरे खाए। कुरकुरे खाए थे, मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के? हाँ। अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप? हाँ। और कोको कैसा लग रहा है? बताओ कोको आपने क्या खाया आपने? कोई बड़ी शॉप पर ढूंढ रहा हूँ, मेरा पैर का 12 नंबर है तो शायद चप्पल मिल जाए। मुश्किल से मिलता है, पर कैसे गिरे, क्या था, अच्छी चप्पल थी, महंगी वाली क्रॉक्स की चप्पल थी, अराउंड 2,200 की आसपास की, लेकिन अब वो खो गई तो बाथरूम स्लीपर ही मिल जाए क्योंकि गाड़ी चलाते थोड़ा मुश्किल होता है चप्पल के बिना ना। और सामान ऑलरेडी हम लोग इतना सारा लेके आए हैं तो मुझे लगा कि अब इतने सारे सामान के अंदर तो फिर अगर लाते हो आप तो, अच्छा वो देखती है, अब सामान ज्यादा हो जाता है तो फिर कैसे चप्पल अप्पल, वैसे कम ले, एक ही लाया था मैं, पहन के आया था इनफैक्ट। तो देखते हैं मार्केट है, करण मार्केट, ये थोड़ा अगर मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये चप्पल है जी, देखिए ये मिल रही है ये 140 की, और ये 225 की बामास की, काम हो गया अपना पुराने टोर। ये देखिए ये आ गया अपना, जो जा रहा है सीधा रूपनगर जाएगा, आनंदपुर साहिब 58 किलोमीटर यहाँ से, और लेट काफ़ी हो गए हैं लेकिन कर रहे हैं चिल, कर रहे हैं चिल करते हुए, देखिए रात का टाइम में धीरे धीरे जा रहे हैं। चप्पल खरीदी बीच में और बुक हो गई थी, क्या हो गया था ध्यान नहीं रहा, थोड़ा पीछे मैं बैठा रहा इसके 10-15 मिनट, और बस यही है कि हिमाचल की जो पहाड़ी अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है, बट ठीक है टाइम लग रहा है तो बीच में देखेंगे अब ये हो जाए, कोई जगह मिली जैसे भी कोई ठीक ठाक चीज़ मिली, थोड़ा लेट ही रुकेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा जल्दी रुकने मतलब नहीं है, फिर कल गाड़ी पहुँचानी पड़ेगी, तो इस थोड़ा पता नहीं धुआं हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि रास्ता ठीक से दिखाई दे नहीं रहा है, वॉक तो हो रही सकता है इतनी गर्मी में। तो चलिए अपडेट देते हैं आपको, रास्ता अच्छा है, आते हुए हमने कुछ और डिफरेंट रास्ता पकड़ लिया था इस बार, वैसे पहले ही काफ़ी चंडीगढ़ के आसपास से राइट से ही मुड़ के आ जाता है, बट दिस बीन लाइक लॉन्गर रूट या डिफरेंट रूट जो भी है, और पीछे बहुत रुके हम लोग, यार रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि आप यार ट्रैवल पे निकले हो फन करते हुए, जाओ आप थोड़ा रिलैक्स करते जाओ, कोई हमें कोई ट्रेन तो पकड़नी नहीं जा रही है ना। रास्ता हमारा जा रहा है आनंदपुर साहब की तरफ जा रहे हैं हम, और पता नहीं क्या रास्ता था क्या नहीं था, पता ही लगा ही नहीं इस बार, तो मैं 43 किलोमीटर राइट टर्न, बहुत लंबा ही हो गया भैया आज तो, इस बार तो उम्मीद नहीं थी मुझे इतना टाइम लगेगा, लग जाता है कई बार टाइम, 43 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन रात हो रखी है 9:15 बज चुके हैं, 8:47 टाइम दिखा दो, 8:47 हो चुके हैं, और बस आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कहीं भी पहुंच जाऊँ ना मैं अगर, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा ताकि मैं आराम से, फिर कल मुझे गाड़ी चलानी ज्यादा पड़ने वाली नहीं है। मालूम चल चुका है लोगों को, अच्छा चलो ठीक है दोस्तों, पहाड़ पे आ गए हम लोग, और सुंदर मंडी यहाँ से 90 सुंदर नगर मंडी गाने सुन सुन के खास तौर से मुझे गाना है, मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए, मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए। रास्ते में कई तो इतना ट्रैवल करने के बाद जब वो छोटी छोटी लाइट दिखती है ना अंधेरे में, वीडियो में तो दिखती नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के कि एट लास्ट वी हैव रीच्ड।
और रीस तो क्या मतलब एटलीस्ट आप हिमाचल में एंटर तो किया और हम सुबह से निकले में बहुत धीरे गाड़ी चला रहे हैं यार बिकॉज सी व्हेन यू विद किड्स आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है विद योर फैमिली सो यू कैन ड्राइव टू फास्ट एंड डू रैश यू नो इट्स ऑलवेज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ड्राइविंग एंड ऑफ योर फैमिली व्हेन यू ड्राइव यू नॉट सपोज टू बैंग योर कार इनटू अनदर वन तो वही ध्यान रख रहे थोड़ा सा किस तरीके से चीजें कर रही है पंछी बहुत एंजॉय कर रही है यार पंछी क्या बोलती है पंछी एंजॉय कर रही है नहीं कर रही पंछी पहाड़ सामने पहाड़ दिख रहे हैं यार और ऐसा लग रहा है कि बस पहाड़ एंटर हो जाना तो ठीक है वाइब अच्छी आती है यार आज गर्मी आपको दिख रहा है पहाड़ सामने हो रहे ऐसी खतरनाक और खतरनाक गर्मी थी कसम से अभी टोल आ गया है 1000 मीटर भी है देखिए टोल वगैरह मैं कवर नहीं किया लेकिन मैं रास्ता कवर करने की कोशिश कर रही आपको थोड़ा रास्ता बता रहा हूँ जो पूरा एक्सपेंसेस कितना होगा जयपुर से बता दूंगा आपको शायद 1500 के आसपास होना चाहिए नॉट श्योर अबाउट मे बी 1200 और मे बी जी जी सोयल करके जगह सोयल वो देता हूँ बहुत कैंपिंग करेंगे बुकेंगे घूमेंगे तो कोशिश करेंगे तो अच्छा लगे आपको भी अच्छा लगे हमारे साथ तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक करो लाइक ये देखिए एंट्री आपने हिमाचल में जल्दी टोल देकर के 60 रुपए लिए इसने भी अच्छे पूरे टोल मैं बताऊंगा आपको कितने टोल लग रहे हैं क्या है मेरे हिसाब से 1500 के आसपास टोल लगेंगे यहाँ से कह रहा है कि जल्दी पहुंचाओगे आप देखिए टनल आ चुकी है और ये टनल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टनल अब ये नई नई चीजें बना रही है यार मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर वाओ शानदार हिमाचल देवभूमि हिमाचल सिंगल टू वे टनल बहुत शानदार है ये कैसा लग रहा था तुम्हें यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम गर्मी खैर कम तो सोच के हो जाएगी मैं हिमाचल बोल रहा हूँ सोच के गर्मी कम हो जाती है क्योंकि बेतहा और बेतहाशा ओडेसिटी के साथ गर्मी बढ़ रही है बेतहा और बेतहाशा ओडेसिटी के साथ गर्मी बढ़ रही है भयंकर नीचे और हम आ गए ऊपर हीरा मंडी इसलिए आए हीरा मंडी तो कह रही तो हिमाचल मंडी है मंडी पहुंच गए रिश्ता गमों से मेरा अब जोड़ दिया जाए माँ सुम दिन है मेरा इसे तोड़ दिया जाए टनल नंबर 4 आ चुकी है भैया और बहुत सारी टनल आ चुकी है और बता रहे मंडी तक रास्ता ठीक बता रहे हैं उसके बाद थोड़ा मुश्किल है देखते हैं कहाँ तक ऐसा बढ़िया हाईवे मिल रहा है हमको और मंडी आ चुके हैं मंडी में और मंडी में ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार जगह है नींबू है भैया नींबू नींबू ले लीजिए भैया है सही है कोई बात नहीं मंडी में रूम 2 बैठे यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है पर बड़ा बेसिक सा रूम है पर बहुत बड़ा रूम है देखिए आप इस ह्यूज रूम सिर्फ 700 रुपए में देखिए